मंडला जिले की नगर परिषद बनमनी बनजके नौभाजपा पार्षदों सहित परिषद अध्यक्ष ने कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंपा। इनका कहना है कि परिषद से हाल ही स्थानांतरित किए गए एक सब इंजीनियर का स्थानांतरण रद्द किया जाए या इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद बनमनी में वर्षों से पदस्थ उपयंत्री HR कुरेशी को जिला शहरी विकास अभिकरण में पदस्थ किया है। उक्त सब इंजीनियर का तबादला विपक्षी पार्षदों की शिकायत पर किया गया। पार्षदों का कहना है कि उपयंत्री पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप निराधार हैं और उपयंत्री के तबादले से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए या तो उपयंत्री का तबादला रोका जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। हम ये चाहते हैं कि वो उपयंत्री को वापस बुलाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता, पुनः पद स्थापना नहीं किया जाता, तो हम शासन से मांग करेंगे और शासन अगर नहीं देता तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे, जिससे हमारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं इंजीनियर के ना रहने से। इस्तीफा तो आज दे दिया है आप लोगों ने ना? जी, हमारे 9 पार्षद ने दिए हैं। कारण क्या है कि उपयंत्री को व्यय हटाने के लिए कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि यदि उपयंत्री नहीं रहेंगे तो नगर का विकास होगा कैसे? नगर के विकास के लिए हमें और जो शासन की योजनाएं वे अधूरी हैं वो सुचारू रूप से चल सकें और जो चुनाव आ रहा है उस विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा सकें, इसलिए हम चाहते हैं कि उपयंत्री को वापस होना चाहिए। जिस पर कलेक्टर ने भाजपा पार्षदों और परिषद अध्यक्ष को उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया।